हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को दोस्तों नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं हूं आपका दोस्त मिथिलेश और आपने देखना शुरू कर चुके हैं एमजी ब्लॉग्स। दोस्तों कल मैंने एक वीडियो बनाई थी नागपुर के समता नगर में निकली मूर्ति, और वो मूर्ति को लोगों ने देवी की मूर्ति मानकर उस पर साड़ी चढ़ा दी, उसको सिंदूर और हल्दी लगा ली और उसको पूजा अर्चना चालू हो गई और पैसों की निछावर शुरू हो गई। 5-10 हज़ार तो ऐसे ही जमा हो गए, मतलब 500-500 की नोट ही डाल दिए थे लोगों ने। वो मूर्ति का वीडियो जब मैंने देखा तो मुझे वो बुद्ध मूर्ति लगी। इस पर मैंने अपना रिव्यू दिया और एक वीडियो मैंने अपलोड करी कल। अगर आपने वो मेरी वीडियो देखी नहीं होगी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते पूरी डिटेल। आज दोस्तों पुरातत्व विभाग ने क्लियर किया है और लोकमत समाचार में न्यूज़ आई है कि ये मूर्ति जो है वो किसी भी भगवान की नहीं है, ना किसी देवी की है, ना भगवान बुद्ध की है। पुरातत्व विभाग ने ये भी दावा किया है कि ये प्राचीन मूर्ति भी नहीं है, ये सिर्फ वहाँ पे रखी गई है और लोगों को गुमराह किया जा रहा है। जी हाँ, ये जिस तरह से इसकी बनावट है वो सिर्फ 5 या 10 साल पहले की बनावट है। मतलब वो पुरातत्व विभाग ने भी उस मूर्ति को अभी सिर्फ पुलिस कस्टडी में रखा है, ऐसा आज के पेपर में दोस्तों आया है। दोस्तों हमारा भारत धार्मिक राष्ट्र है, लेकिन उसके आड़ में काफ़ी लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम शुरू करते हैं। जी हाँ, ये सच्चाई है। ये तो नागपुर ज़िले में निकली है मूर्ति। नागपुर ज़िला काफ़ी बड़ा है, वहाँ पर कुछ बात छुप नहीं सकती। वहाँ पर सब इंस्टाग्रामर, इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर सब पहुँच गए, जिसकी वजह से ये उजागर हुआ। लेकिन उन्होंने भी ये मेंशन कर दिया कि ये माता की मूर्ति है, प्रकट हुई है, नवरात्रि का समय है। कोई तर्क लगाने को तैयार ही नहीं। वहाँ के लोकल लोग तो मुझे, वो जिस एरिया में निकली है वो शायद स्लम एरिया है, तो वो ज़्यादा शायद पढ़े लिखे ना हो, लेकिन वहाँ पर लोगों ने देवी मान के पूजा अर्चना वगैरह सब शुरू कर दी। दूर दूर से लोग वहाँ पर पहुँच गए नागपुर के समता नगर में इस देवी के दर्शन करने के लिए। लेकिन लॉजिक कोई लगा नहीं रहा कि ये मूर्ति किसकी है, क्या है क्या नहीं है। उनको देवी जैसी दिखी, नवरात्रि सामने है, देवी मान के उन्होंने पूजा अर्चना पाठ शुरू कर दिया। उन्होंने ये भी नहीं सोचे कि जिस समय ये खुदाई हो रही थी वो मजदूर कहाँ गए, जिस समय वो मूर्ति निकल रही थी तब की वीडियो कहाँ है, वो किसी ने नहीं सोचा। किसी ने बोल दिया देवी की मूर्ति है, देवी की मूर्ति है, देवी की मूर्ति है, जो माउथ पब्लिसिटी हो गई। और ऐसे ही होता आ रहा है। अगर ये नागपुर का किस्सा नहीं होता, या नागपुर के आसपास, या कहीं का भी, भारत में कहीं का भी अगर ये ऐसा वाकया होता और ये सोशल मीडिया पे ये ऐसा आता नहीं था, तो क्या होता कि आसपास के 5-50 गांव में ये माउथ पब्लिसिटी हो जाती, उनके मंदिर बन जाते, ज़मीनें उतनी ब्लॉक कर दी जाती है और एक ट्रस्टी बन जाता है, लोगों की आस्था का विषय है, लोग आते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं और फिर वो मंदिर भव्य बन जाता है और सबसे ज़्यादा मालामाल होते हैं उनके ट्रस्टी। एकदम बिल्कुल ज़ीरो इन्वेस्टमेंट वाला बिज़नेस है ये। इस मूर्ति की दोस्तों जब वीडियो मेरे पास आई थी और वो जब देखा मैंने कि लोगों ने साड़ी रख दी, मंगलसूत्र लगा दिया, हल्दी कुमकुम लगा दिए और उसको देवी घोषित करके लोग वहाँ पे पैसे चढ़ा रहे हैं, तो मुझे पीके फिल्म का वो सीन याद आ गया जहाँ पर आमिर खान वो एक ऐसा पत्थर सामने रखता है, पान में से वो निकालता है, कत्था लगा देता है, खुद पैसे डाल देता है और फिर लोगों की लाइन चालू हो जाती है और एक तरफ चाय बेचने वाला बेचारा धूप में खड़े रहता है। तो इतने सारे पैसे पड़े थे उस मूर्ति के पास, वो देखकर मुझे सोच रहा था कि अगर कोई गरीब इंसान या कोई भूखा इंसान किसी को मदद मांगता है तो 1 रुपया नहीं निकलता लोगों के जेब से, या फिर किसी जानवर को देख लेते हैं तो उसको भगा देते हैं, उसको कोई खिलाता नहीं, एक पैकेट बिस्किट, और यहाँ पर देखिए कि ये देवी है तो ये हमको कुछ देगी, तो उसको चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, उसको देवी भी मान रहे हैं जो खुद से प्रकट हुई है, ये भी कह रहे हैं, और उसको तुम 10 रुपये, 50 रुपये और 500 रुपये चढ़ा रहे हो। अरे देवी जो है वो तो तुमको देगी ना, उसको क्या तुम चढ़ा रहे हो, क्या सौदाबाजी चल रही है, देवी को उसको पैसे चढ़ा रहे हो क्या? मता नहीं अपनी अकल कहाँ घास चरण जाती है लोगों की। क्या लॉजिकली बात तो कोई करता ही नहीं। किसी ने बोल दिया देवी है, चमत्कार है, चमत्कार वो नमस्कार करने वाली दुनिया है। लोकमत की आपको न्यूज़ बताता हूँ दोस्तों आज की, ज़रा गौर से सुनना। बुधवार की शाम पुलिस बंदोबस्त में नायब तहसीलदार सुनील साड़वे एवं केंद्रीय पुरातत्व संरक्षण विभाग नागपुर सर्कल के अधीक्षण पुरातत्वविद अरुण मलिक के मार्गदर्शन में पुरातत्व विभाग की टीम ने मौके पर जाकर मूर्ति की जांच शुरू की। मलिक ने लोकमत समाचार प्रतिनिधि को बताया कि हमने वैज्ञानिक ढंग से सभी एंगल में मूर्ति की जाँच की है, इसमें पाया कि मूर्ति कचरे के ऊपर खड़ी है, इसके नीचे से जूते, चप्पल, प्लास्टिक आदि के कचरे दबे निकले है, मिट्टी भी नहीं है, इससे स्पष्ट है कि इसे यहाँ रखा गया है। ये मैं नहीं, ये लोकमत कह रहा है। मूर्ति प्राचीन नहीं है,
बल्कि नई है। कलात्मक दृष्टि से भी कहा जा सकता है कि यह पुरानी मूर्ति नहीं है बल्कि 5-10 साल में बनी हुई है। पुरानी मूर्तियों पर छैनी के निशान होते हैं, लेकिन इस पर ऐसा कुछ नहीं है। मूर्ति पर आरी से कलाकृति की गई है, इससे स्पष्ट है कि यह मूर्ति नई है। उन्होंने दावा किया है कि मूर्ति की ज़्यादा जाँच की आवश्यकता अब नहीं है। जांच के बाद दोस्तों केंद्रीय पुरातत्व संरक्षण विभाग का ये खुलासा है। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने इस मामले की निष्पक्ष जांच करने की मांग की है। केंद्रीय पुरातत्व संरक्षण विभाग नागपुर सर्कल के अधीक्षण पुरातत्वविद अरुण मलिक ने लोकमत समाचार को बताया कि विभाग ने कलात्मक दृष्टि से भी मूर्ति की जाँच की है, लेकिन कलात्मक दृष्टि से की गई जाँच में भी कहीं ऐसा कोई अवशेष नजर नहीं आया है कि यह मूर्ति किसी भगवान की है। तो इस विषय में मैंने भी कल वीडियो डाली जिसमें मैंने इस मूर्ति की कलाकृति और थोड़ी सी मेरी जांच पड़ताल से मुझे ये बुद्ध मूर्ति लगी, तो मैंने बुद्ध मूर्ति करके इसको क्लियर बोल दिया था। लेकिन मैं कोई आर्कियोलॉजिस्ट हूँ नहीं, जैसे सब लोग देवी मान रहे हैं मैंने बुद्ध मान लिया, तो मैंने वीडियो बना के डाल दी। सारे इन्फ्लुएंसर जो है वो सब उसको माता की मूर्ति में लगे हुए थे, मुझे वो भगवान बुद्ध की मूर्ति लग रही थी तो मैंने भगवान बुद्ध बोल दिया। अपनी अपनी राय रखना हमें संविधान ने बताया है। ये मूर्ति निकली ना भगवान बुद्ध की ना देवी की, ये तो किसी भी देवता से मेल नहीं खाती, ऐसा पुरातत्व विभाग का कहना है। तो आई होप दोस्तों आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो, ये वीडियो पसंद आया हो, तो इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना ताकि लोग दोस्तों ऐसे इंसिडेंट्स से दूर रहे। लोगों की भावना से खेलने का काम किया जाता है, सबको पता है कि यहाँ पर हिंदू कम्युनिटी ज़्यादा है भारत में। दोस्तों अक्सर ऐसा होता है कि खुदाई में भगवान बुद्ध की ही मूर्ति निकलती है, यहाँ तक कि राम मंदिर जब बन रहा है ना वहाँ पे भी बुद्ध मूर्तियाँ निकली। अगर कोई बुद्ध स्तूप बन रहा होता और उसके नीचे अगर किसी हिंदू देवी देवता की मूर्ति निकलती तो कितना बवाल होगा रहता। उन्होंने कभी किसी स्तूप को या किसी मस्जिद को वहाँ पे बनने नहीं दिया रहता। लेकिन ये तो हमारे बुद्धिस्ट लोग क्या है, टूटे है, एक संगठित नहीं है करके राम मंदिर के नीचे बुद्ध मूर्ति निकलने के बाद भी बेचारे शांत है, जान दो छोड़ो बनाने दो राम मंदिर, कोई वांधा नहीं बन जाए, अच्छी बात है। अगली बार अगर आपको कोई ऐसी मूर्ति निकलती हुई दिखे तो थोड़ा तर्क लगाइए, थोड़ा दिमाग लगाइए और सोचिए कि ये सही में किसकी मूर्ति है। या आपको नहीं समझता तो पुरातत्व विभाग की राह देखिए, तब जाके क्लियर होगा कि ये मूर्ति किसकी है। अगर ये मूर्ति का वीडियो वायरल नहीं हुआ होता तो सोचिए क्या होता, वहाँ पर मंदिर बनना शुरू हो गया रहता। एग्जाम्पल बताता हूँ कि अगर मैं उस मूर्ति का मंदिर बनाता और मैं ट्रस्टी बनता क्योंकि मैंने 5-10 लाख रुपए खर्च किए उस मंदिर बनाने को, तो एक नवरात्रि में मैं 20-50 लाख कमा लेता था, क्योंकि हवाई ऐसी बना दी है कि खुद प्रकट हुई स्वयंभू मूर्ति, ऐसा वैसा फलाना, लोगों की भावनाओं से खेलना बंद करो। और मैं इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि अंधश्रद्धा निर्मूलन वाले इसकी कड़क जाँच करें कि वो मूर्ति वहाँ पर किसने रखी और ये किसका षड्यंत्र था। चलो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में ऐसी किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी को दोस्तों नमो बुधाई, जय भीम।